क्या आप भी यूएसए यानी अमेरिका जाना चाहते हैं और आपको ऑनलाइन वीज़ा के लिए अप्लाई करना नहीं आता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा किस तरीके से आप यूएसए के लिए आप ऑनलाइन वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्वराज, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा किस तरीके से आप यूएसए यानी अमरीका में जाने के लिए वीज़ा के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं या मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं या वहाँ पे जो है बिजनेस के लिए जाते हैं तो हमें जो है वीज़ा लेना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो आप कौन से वीज़ा लेंगे, अगर आप बिजनेस के लिए अमेरिका जा रहे हैं तो आपको कौन सा वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूजर्स हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है कि कैसे ऑनलाइन अमेरिका वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप जो है घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से बहुत ही आसानी से आप अमेरिका जाने के लिए वीज़ा के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के भी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ये होता है कि हम जो है बिचौलिया यानी दलाल के बीच में पड़ जाते हैं और वो जो दलाल जो है हमसे अच्छी खासी जो अमेरिका वीज़ा के नाम पर चार्ज कर देता है और वो हमें देना पड़ता है क्योंकि हमें अमेरिका जाने की जल्दी है। तो मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप मोबाइल से ही अमेरिका जाने के लिए वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है ऑनलाइन करवाने के लिए साइबर कैफे या शॉप वाले दुकान वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको 400 से 500 रुपये का चार्ज कर देता है और वो आपको जो है देना पड़ता है क्योंकि आपको जो है अमेरिका जाने की जल्दी है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही ईजी और बहुत ही आसानी से आप यूएसए यानी अमेरिका वीज़ा के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप बिजनेस के लिए जा रहे हो या घूमने फिरने के लिए जा रहे हो या पढ़ने के लिए जा रहे हो या मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हो, आप कुछ भी करने के लिए जा रहे हो तो आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है बट ये वीडियो देखने के बाद आप जो है कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हम जो है कोई और वीडियो देखें क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाया हूँ कि आप जो घूमने फिरने के लिए या एजुकेशन पढ़ाई के लिए या मेडिकल चेकअप के लिए या बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है कौन सा वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, वही मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा तभी आप सीख पाएंगे कि कैसे आप यूएसए वीज़ा के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और फिर घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने ब्राउज़र में टाइपिंग कर देंगे अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ जहाँ से जाने के बाद भी आप इस पेज पे आ सकते हो। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ हेडिंग यहाँ पर शो हो रहा है आपका, यहाँ देख रहे हैं कि नॉन इमिग्रेशन वीज़ा और दूसरा है यहाँ पर देख रहे हैं कि इग्रीमेशन वीज़ा और यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में स्क्रॉल डाउन करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इग्रीमेशन वीज़ा, इग्रीमेशन वीज़ा वो होता है जो आदमी वहाँ पर परमानेंटली रहना चाहता है जैसे यूएस में और वो वहीं पर अपना बिजनेस वगैरह अपना होम वगैरह घर वगैरह बनाना चाहता है और वो परमानेंटली वहीं पर रहना चाहता है तो वो ये इग्रीमेशन वीज़ा पर क्लिक करके वो इग्रीमेशन वीज़ा बना सकते हैं। तो उस पर्सन को इग्रीमेशन वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जो वहाँ पर परमानेंटली रहना चाहता है। अगर आप कोई मेडिकल चेकअप के लिए, पढ़ाई के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए अगर आप जा रहे हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉन इग्रीमेशन वीज़ा तो आपको सिंपली नॉन इग्रीमेशन वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हमको यहाँ पर नॉन एग्रीमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर देख रहे हैं DS-160 ऑनलाइन नॉन एग्रीमेशन वीज़ा पर हम सिंपली इस पर हम क्लिक कर देते हैं।
तो आपके सामने कुछ इस तरीका से ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं DS-160 ऑनलाइन नॉन एग्रीमेंशन वीजा अप्लीकेशन। तो आपको सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको इसी फॉर्म को फिलअप करना है। तो सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सेस द ऑनलाइन DS-160 बाय क्लिक। तो सिंपली हमको इस वाले पेज है, इस पर हमको ओके कर देना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने कंट्री को चूज कर लेना पड़ेगा। जो भी कंट्री से है आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली ही चूज कर लेता हूँ। इसके बाद ये कैप्चा है, आपको कैप्चा इसमें एजटीज डालना पड़ेगा, जो भी कैप्चा है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि दो ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट एन एप्लीकेशन और रिट्रीव एन एप्लीकेशन। सिंपली हमको स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन आईडी भी यहाँ पे आ चुका है, ये आपका एप्लीकेशन आईडी हुआ और ये आपका डेट भी यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद यहाँ से आपको एक सिक्योरिटी चूज करना पड़ेगा क्वेश्चन, उसका आपको आंसर भी देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप चूज कर लेंगे गिव नेम ऑफ योर मदर। तो यहाँ अपने नानी का जो नेम है वो आपको यहाँ पर डाल के यहाँ कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपके सामने कुछ इस तरीका से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन नॉन एग्रीमेशन वीजा DS-60 और यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया। यहाँ पे आपका जो वहाँ का जो है OMC कंट्रोल नंबर वो आ गया और यहाँ पे पूरा जो इसका जो गाइडलाइन यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे अपना सरनेम पूछा जाता है, वो अभी जो भी सरनेम हो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर गिवन नाम डाल देना है, इसके बाद यहाँ पर आपका फुल नेम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कुछ दूसरा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पूछ रहा है कि हैव यू एवरी अदर नेम, अगर कोई आपका दूसरा नेम है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ पे आप नो पर क्लिक कर देंगे। चलिए इसमें मैं कुछ बता दूँ कि आपको देनी क्या होती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका पर्सनल जो अकाउंट है वो देनी होती है, यहाँ टेबल देनी होती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप पहले कभी अमेरिका गए हैं तो उसकी पूरी यहाँ पर आप समरी यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ US में कॉन्टैक्ट आपको देना पड़ेगा, यहाँ पासपोर्ट की पूरी समरी देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर US कॉन्टैक्ट है, अगर US में किसी कॉन्टैक्ट है तो वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर अपन फैमिली में के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ पर वर्क और एजुकेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी फॉर्म में फिलअप करनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं कैसी होगी। तो इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। इसके बाद यहाँ पूछा है डू यू हैव टू टेलीकोड। तो ये आपको पूछ रहा है कि आपका जो नाम का कोई टेलीकोड है तो सिंपली आपको यहाँ पे नो चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप सेक्स चूज कर लेना है, मेल फीमेल। चलिए मैं यहाँ पे अपना चूज कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे मैरिड स्टेटस चूज कर लेना है, जो भी मैरिड है या सिंगल है, वुमेन है, जो भी अदर है, तो सिंपली आप जो भी है इसमें से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लेनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद यहाँ पे सिटी डाल देना है, यहाँ पे आपका अब जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेट आ गया, यहाँ पे आपका कंट्री ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे गए, यहाँ पे देखिए आपको तीन टाइप की जो ये है आपको फॉन्ट मिल रहा है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बैक गेटिंग सेव और नेक्स्ट पेज। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन पर ओके करना है। तो यहाँ से चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने से ये होता है कि अगर आपका इंटरनेट खत्म हो गया या आपके जो पावर बैकअप है वो बंद हो गया तो ये मेरा जो सिस्टम है सेव रहेगा और मैं इसको बाद में भी यहाँ से कंटिन्यू करके एप्लीकेशन को इसको भर सकता हूँ। इसके बाद सिंपली यहाँ पे हम कंटिन्यू एप्लीकेशन पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ उसी तरीके से ये पेज फिर ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आ गया है नेक्स्ट पर्सनल टू। तो सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले पर ओके कर देंगे। तो दोस्तों ये फॉर्म कोई इतनी मुश्किल नहीं है, यहाँ से आप बहुत ही आसानी से फॉर्म को चूज कर सकते हो। यहाँ पर अपने नेशनलिटी कंट्री यहाँ से चूज करना है, जो भी कंट्री से, तो सिंपली आपको भी यहाँ से कंट्री चूज कर लेना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप कोई और कंट्री से भी है, तो यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि देखिए अगर आप ये कंट्री के अलावा किसी और कंट्री के भी परमानेंट ग्रांट है तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि क्या उपयुक्त बताया गया क्षेत्र की भूमि राष्ट्रीय के अलावा देश के किसी स्थायी निवासी है, तो सिंपली यहाँ पर हमको नो चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना पड़ेगा। अगर ये टिक करेंगे तो आपको इसमें आपको डालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखा US सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा, अगर यहाँ पर टिक करेंगे तो आपको ये भी नहीं डालना पड़ेगा। इसके बाद आप इसको भी जो US टैक्स पेयर आईडी नंबर है और इसको भी डज नॉट अप्लाई कर दीजिए। जो भी डज नॉट अप्लाई कीजिएगा तो आपको इसमें कुछ नहीं डालना पड़ेगा। चलिए इसको भी हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली फिर हम चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, फिर इसके बाद अगला पेज ये ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि पर्पस और ट्रिप अप US, तो आपको US जाने का पर्पस क्या है। जो भी जाने का पर्पस वो यहाँ से आप चूज कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप किसके लिए जा रहे हैं, एकेडमिक और लर्निंग लैंग्वेज स्टूडेंट के लिए, टेम्पररी वर्किंग के लिए, या जो भी है इसमें से आप एक ठो आप चूज कर लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं एक चूज कर लेता हूँ।
अगर आपका एक से ज़्यादा पर्पज है तो यहाँ पे एट पे क्लिक करके एक से ज़्यादा पर्पज को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपली आप यहाँ रिमूव करके आप एक ही पर्पज को यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, अगर आपके पास कोई स्पेशल और ट्रैवल प्लान है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ पे हमको नो कर देना है। अगर है तो सिंपली यहाँ पे हम यस करेंगे और यहाँ पर इसका पूरा डिटेल आ जाएगा, वो पूरा डिटेल डाल देना है। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ नो करेंगे। यहाँ पर देखिए इंडिडेंट डेट ऑफ अराइवल का, आप यहाँ पे अगर है तो यस, मतलब आप यहाँ पर यस करके पूरा डाल देंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ पर हम नो ही रहने देंगे और यहाँ पर सिंपली जो है वो डाल देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटेंडेड डेट इन अराइवल का वो हमको डाल देना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि आप कौन से डेट में हम जाना चाहते हैं, जो भी डेट में जाना चाहते हो आप यहाँ से सिंपली इसको चूज कर लीजिए और यहाँ पर अपना जो ईयर है वो ईयर आप यहाँ पर इसको डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आप कितने टाइम अमेरिका में रुकेंगे, वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे तो यहाँ पे मैं कितने टाइम रुकूंगा वो डाल देता हूँ, प्लीज मैं 1 ईयर कर देता हूँ और मैं यहाँ 1 डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आपको वहाँ का एड्रेस डालना पड़ेगा कि आप अमेरिका में कहाँ रुकेंगे, तो यहाँ से आप कोई भी एक एड्रेस यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे स्टेट एड्रेस यहाँ फिल कर सकते हो, जो भी ऑपरेशनल यहाँ आप छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप सिटी डाल दीजिए, यहाँ पे अपने सिटी टाइप कीजिए जहाँ पे आप जा रहे हैं, तो जो भी सिटी हो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट चूज कर लेना है, जो भी स्टेट से है तो जहाँ से भी, तो वो आपको यहाँ से उस स्टेट को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे चूज कर रहा था, यहाँ जिप कोड डाल दिया, अगर आपको नहीं पता तो इसको आप सिंपली छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि पर्सन इंडिटी पाइंग फॉर द ट्रिप, मतलब आप जब अमेरिका में जा रहे हो उसका खर्चा कौन उठा रहा है, तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अदर पर्सन है, आप स्वयं है, पेरेंट या एम्प्लॉयर है, जो भी है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेल्फ करके यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर पूरा फिलअप हो चुका है, यहाँ फॉर्म को सेव कर लीजिए। इसके बाद सेव करने के बाद सिंपली फिर हम इसको क्या करना, नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी मेरा सेव हो चुका है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आप जो जा रहे हैं तो आपके साथ कोई है, अगर है तो यहाँ पे यस करके उसका डिटेल फिट कर दीजिए, अगर आपके साथ कोई नहीं है सिंपली यहाँ पे नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ सेव करके यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। चलिए यहाँ सेव करके यहाँ पे हम उनको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आपको आंसर देना है, तो सिंपली आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या कभी पहले आप अमेरिका गए हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर दीजिए। यहाँ पूछा गया है क्या कभी आपको अमेरिका का वीज़ा जारी किया गया है, आप यहाँ पे यस नो कर सकते हो। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपने अमेरिका वीज़ा को रिफ्यूज किया है, या अमेरिका कभी आपको वीज़ा देने से मना किया है, सिंपली यहाँ पे यस नो कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पर नो चूज कर लेते हैं। तो आप इसी क्वेश्चन को सारे आंसर ऐसे दे दीजिए जैसे आप देते आ रहे हैं, इसका सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पूछा जाता है कि आपके पास US में आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका स्टेट एड्रेस जो आपको है यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो एड्रेस और फोन नंबर वो आपको भर देना है, जो आपका स्टेट एड्रेस वो डाल देना है। यहाँ पर पर्सनल इसको छोड़ सकते हैं, या सिटी डाल देना है, यहाँ पर स्टेट डाल देना है। डोज नोट कर देंगे तो आप इसमें आपको डालना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर अपना कंट्री चूज कर लेंगे, जो भी कंट्री वो चूज कर लेना है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मेलिंग एड्रेस और यहाँ पर देखिए होम एड्रेस, अगर मेलिंग एड्रेस और होम एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे पे क्लिक करेंगे तो सिंपली इसमें जो नीचे वाला में फिलअप हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो सिंपली यहाँ पे नो करेंगे और हमको भरना पड़ेगा। तो मेरा ऑलरेडी सेम है तो मैं यहाँ पे यस करके, यहाँ पे मिलिंग एड्रेस और होम एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली हम यस करेंगे तो मेरा जो है ऊपर और नीचे वाला यहाँ पे दोनों पे ऑलरेडी यहाँ फिलअप हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ आप देख रहे हैं कि अब बोला जा रहा है कि यूज अदर फोन नंबर, सिंपली यहाँ पे हम यस नो कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे आपका जो ऑप्शनल डिटेल आ गया है, यहाँ मेलिंग जो ईमेल एड्रेस है वो भी ईमेल आईडी का एड्रेस वो आपको यहाँ पे आ गया है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यूज अदर ईमेल एड्रेस अगर है तो सिंपली यस करेंगे, नहीं तो सिंपली हमको यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया का कुछ ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको यहाँ से चूज करना है, जो भी प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फेसबुक हो गया, फिलिंक हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो इस तरीके से आप जो भी है इस तरीके से आपका जो ये जो है सोशल मीडिया उसको आप चूज कर लेना है। इसके बाद एक से ज़्यादा की भी आपको ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली प्लस वाले आइकन में जाकर यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछा जा रहा है सिंपली आप यहाँ पर नो करके यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पासपोर्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब तो पासपोर्ट के लिए आपको यहाँ पर जो भी डिटेल है वो आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका पूरा पासपोर्ट का डिटेल डालना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि पासपोर्ट आपका क्या है, रेगुलर है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है या अदर है, तो यहाँ पे जो भी है तो ये इसमें आप चूज करके डाल सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे रेगुलर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे जो पासपोर्ट है वो रेगुलर ही सबके पास होता है, सिंपली आपको यहाँ पर रेगुलर ही चूज कर लेना है। पासपोर्ट नंबर डाल देना, जैसे मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। यहाँ अगर आप पासपोर्ट बुक नंबर है तो डाल देना है, नहीं तो सिंपली यहाँ डोज नोट पर आप क्लिक करके इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए कंट्री आपको ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर सिटी डाल देना है, यहाँ से स्टेट चूज करके डाल देना है, और यहाँ पे कंट्री आपका ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो ही चुका है।
इसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट इशू होने की डेट डालनी पड़ेगी, आपके पासपोर्ट कब इशू हुआ था, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालना पड़ेगा कि आपको पासपोर्ट कब एक्सपायरी हुआ था, तो एक्सपायरी डेट है तो वो आपको एक्सपायरी डेट यहाँ पे आपको डाल देना है। इसको यहाँ पासपोर्ट एक्सपायरी डेट डाल देंगे, अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ डज नॉट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि कभी आपका पासपोर्ट खोया या चोरी हुआ, तो सिंपली यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं यूएस कॉन्टैक्ट, हम यहाँ पर सिंपली हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका यूएस में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आपको इस पेज पे उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन देनी होती है जिस पर्सन से आप अमेरिका में मिलने वाले हैं, तो वो कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। इसके बाद कोई जो भी यहाँ पर्सन उसका सरनेम डालेंगे और इसका गिवन नेम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशन चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से इसके रिलेशनशिप चूज कर लेंगे कि वो आपको क्या है, तो सिंपली यहाँ से देख लें रिलेटिव है, स्पाउस है, फ्रेंड। चलिए मैं यहाँ पर फ्रेंड चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपका उसका यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा। इसके बाद पूरा एड्रेस डालने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फैमिली इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं फादर के यहाँ फुल नेम डालना पड़ेगा, नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पे उसका सरनेम डालना पड़ेगा, अगर है तो नहीं डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ पे डज नॉट कर दीजिए। यहाँ गिवन नेम डालिए, है तो डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ पे डज नॉट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो सिंपली आप यहाँ से इसको डज नॉट भी कर सकते हो। यहाँ पर गिवन नेम डालना है, अगर है तो डालिए, नहीं तो यहाँ से डज नॉट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ से डज नॉट कर सकते हो, और चाहे तो इसमें आप डाल भी सकते हो। इसके बाद यहाँ पर अपना मदर नेम है डाल दीजिए, नहीं तो इसको डज नॉट कर दीजिए। और यहाँ पर इसका जो गिवन नेम है, सर नेम हो, अगर है तो डालिए, नहीं तो सिंपली मदर का इसमें यहाँ पे डज नॉट नाउ कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आपके मम्मी पापा का नाम पूछा जाएगा। अब चाहे तो इसको डाल भी सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो यूएस में आपके माता पिता के अलावा कोई और रिश्तेदार अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे। और यहाँ पे सिंपली जो आपको यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन नो कही है, तो यहाँ पे और ऑप्शन एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको यूनाइटेड स्टेट में कोई और रिलेटिव है, अगर है तो यहाँ सिंपली यस करेंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ से हम इसको नो कर देंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट करने पर यहाँ से आपके वर्क के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपके क्या है, आपके पैसा जो भी आपके पैसा है यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से चूज कर सकते हो। तो जो भी है यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए या जो भी एजुकेशन इंजीनियरिंग, चलिए यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। या सिंपली चूज करने के बाद यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे मैं इंजीनियरिंग चूज किया, आप अपने स्कूल का कोई भी यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए। वहाँ पे यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, या पर्सनल इसको छोड़ सकते हैं, या सिटी डाल सकते हैं जहाँ पे आपका स्टेट है वो आ जाएगा, या इसको डज नॉट भी कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ फोन नंबर डाल सकते हैं, यहाँ इंडिया ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट डेट आपका स्टार्ट किया था वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इनकम लोकेशन है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर सारे के सारे डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है क्या पहले एम्प्लॉय थे, अगर थे तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर सिंपली नो कर देना है। तो इसमें भी इसी तरीके से यहाँ पूछ रहे हैं कि पूछ रहा है कि अटेंड योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, तो यहाँ पर अगर यस करते हो तो इसमें आपका पूरा डिटेल यहाँ पर इसको देना पड़ेगा। यहाँ से आपको इसका पूरा डिटेल देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर नो चूज करते हो तो आपको इसमें कुछ डिटेल नहीं देना पड़ेगा। और इसके बाद सिंपली यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, जो आप इसको यस नो में आप जवाब दे सकते हो। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रोवाइड योर लैंग्वेज योर स्पीक, आप कौन कौन से लैंग्वेज बोल सकते हो, आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी डाल देता हूँ। जितने भी आप लैंग्वेज बोलिएगा वहाँ पर एड अनदर पर करके आप इसको डालते रहिएगा, और यह आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके इस क्वेश्चन को यस नो में जवाब दे दीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे ओके कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड के बारे में कुछ पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन को यहाँ पर यस नो में जवाब दे दीजिए। चलिए मैं सभी क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर नो में दे देता हूँ। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड का पार्ट टू के बारे में पूछा जाएगा। आप सिंपली इसमें सबको अपना तरीके से यहाँ अपना यस नो कर सकते हो। चलिए मैं सिंपली इसमें नो कर देता हूँ। तो नो करने के बाद कुछ आप इस तरह से अपने यस नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड का थ्री पार्ट आ चुका है, और यहाँ पे भी हम अपने हिसाब से यस नो कीजिएगा, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर नो कर देता हूँ। तो सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड के यहाँ पे फाइव पार्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, आपको उस सभी का जवाब अपने हिसाब से देना है। ऐसा नहीं कि मैं नो कर रहा हूँ तो आप भी अब यहाँ पर नो करके फॉर्म भर दे, और कुछ ऐसा ऑप्शन हो जिसमें आपको यस वाला डालने का ऑप्शन हो तो वो आप वहाँ पे नो कर दे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और इसके बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करिएगा। इसका देखिए यह पार्ट फोर आ चुका है। चलिए मैं इसको भी यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। यहाँ से फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ।
अब ये देखिए सिक्योरिटी बैकग्राउंड का 5 पार्ट आ चुका है। तो आपको 5 पार्ट में पहले ही बोला था, तो इसी तरीके से 5 पार्ट को क्वेश्चन का यस नो में अपने हिसाब से कीजिएगा और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। इस बार नेक्स्ट करते हैं, यहाँ टेम्प्रेरी वर्क वीजा पूछी जाती है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के जो देख रहे हैं, तो आपको उस एप्लीकेशन वीजा के बारे में पूछी जाती है जो शुरू में मैं टेम्प्रेरी के डाला था, तो वो यहाँ पे वही पूछा जाता है। तो मैं शुरू में टेम्प्रेरी वर्क वीजा चूज किया था, तो वो इसका इसी तरीके से टेम्प्रेरी वर्क वीजा का पूरा ऑप्शन ओपन होकर आ रहा है। अगर आप शुरू में कोई स्टूडेंट वीजा या कोई और वीजा चूज करते तो उसी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूछी जाती है। यहाँ पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ पर्सन कंपनी फील्ड ऑप्शन, यहाँ पूछा जा रहा है कि आप जो यूएस जा रहे हो तो कौन सी कंपनी में जा रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। तो उस कंपनी का आपको नाम यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ एम्प्लॉयर, यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम डाल देंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल देना है, ऑप्शन छोड़ देना है, यहाँ सिटी डाल देना है, यहाँ पे स्टेट यहाँ पर चूज कर लेना, यहाँ पर अपना फोन नंबर चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपको मंथली इनकम डालनी पड़ेगी डॉलर में, चलिए मैं यहाँ पे $600 डाल देता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब तक के आपने जितना भी फॉर्म फिलअप किया है वो सारा का सारा फॉर्म आपको यहाँ पे आ जाता है, उसका प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ से आप सारी के सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर लीजिए, अगर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रॉन्ग लगती है उसको आप यहाँ से बैक करके उसको सही करना है। तो यहाँ से इसको बहुत ही आसानी से आपको चेक कर लीजिए, अगर लगता है कि आप कुछ रॉन्ग है कुछ गलत है तो यहाँ बैक पे जाके उसको सिंपली आपको इसको सही कर लेना है, करेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एडिट पर्सन इन्फॉर्मेशन क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से इसको एडिट कर सकते हैं और इसको सही कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली लगता है सब कुछ सही है तो सिंपली यहाँ पर करना है नेक्स्ट ट्रैवल। इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अगर यहाँ आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो ठीक है, नहीं तो अगर सब गलत है तो यहाँ एडिट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पे जाके आप इसको सही कर सकते हैं और यहाँ से इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो और यहाँ से अगर लगता है कि सब कुछ सही है तो यहाँ पर नेक्स्ट US कॉन्टैक्ट, सिंपली आपको इस पे नेक्स्ट पर ओके कर देना है। अगर आपको यहाँ US कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर लगता है कुछ गलत है तो इसको भी आप एडिट कर सकते हो, अगर लगता है सब कुछ सही है तो सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि नेक्स्ट फैमिली, तो आप सिंपली इसको नेक्स्ट भी कर सकते हो, यहाँ से जाके इसको प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट फैमिली पे ओके कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि सब कुछ इसमें अगर सही है तो अगर गलत है तो यहाँ बैक करके उसको सही कर सकते हो, अगर सब कुछ सही है तो यहाँ देख रहे हैं कि वर्क एजुकेशनल ट्रेनिंग, तो इसको हम इस पर ओके अगला के लिए नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट करेंगे और इसके लिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं पूरा वर्क एजुकेशन आ चुका है और इस तरीके से आपको अगर सब कुछ आपको सही है तो यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हो। अगर लगता है सब कुछ सही है तो सिंपली यहाँ सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड के लिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सिक्योरिटी में यहाँ पर देख रहे हैं कि part 1, 2, 3, 4, 5 अगर लगता है इसमें कुछ गलत है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हो, अगर लगता है सब कुछ सही है तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो कि नेक्स्ट टेम्पोरी वर्क भेजा, तो इस पर हम सिंपली ओके करेंगे। टेम्पोरी वर्क वीजा के बारे में जो भी आपने फिल किया वो यहाँ पे आ गई है, अगर आप लोग लगता है कुछ गलत है तो इसको आप सही कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नेक्स्ट लोकेशन, तो हमको सिंपली इसको ओके कर देना है। लोकेशन में अगर आप सब कुछ गलत लगता है तो सही कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ सान एंड सबमिट, तो सिंपली आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस एप्लीकेशन को भरने में कोई आपको हेल्प की है, अगर की है तो यस, नहीं तो सिंपली यहाँ पर आप नो करेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाता है और यहाँ पे जो कैप्चा है वो कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डाल देंगे, ये कैप्चा है यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट टू कंटिन्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे साइन एंड फाइनल सबमिट एप्लीकेशन आ गया। अगर लग रहा है कि सब कुछ गलत है तो आप उसको बहुत ही आसानी से सुधार सकते हो, अगर लग रहा है कि नहीं सब कुछ सही है तो यहाँ पे साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन पर ओके करके आगे बढ़ सकते हो। अगर लग रहा है सब कुछ सही है तो सिंपली यहाँ पे साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन पर ओके कर दीजिए। तो सबमिट करते ही देखिए आपको ये जो पूरा एप्लीकेशन है ये फिलअप हो चुका है और जो ये एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है यू हैव सक्सेसफुली साइन एंड सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका लास्ट ऑप्शन है, अगर आप कोई भी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से बैक रिव्यू पे जाके उसको चेंज कर सकते हैं, अगर इसके बाद अगर यहाँ कन्फर्म करेंगे तो ये आपका जो एप्लीकेशन है ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, इसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो। अगर लग रहा है फिर भी कि नहीं कुछ गलत है तो यहाँ से आप कर सकते हो, अगर नहीं लग रहा कि सब कुछ सही है तो यहाँ कन्फर्म कर दीजिएगा, इसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ गलत है तो आप यहाँ पर बैक रिव्यू पे जाके यहाँ पर आप अपना करेक्शन कर लीजिए, अगर लग रहा है सब कुछ सही है तो यहाँ सिंपली नेक्स्ट कन्फर्मेशन पर जाके यहाँ पर अपना एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि जो भी आपकी एप्लीकेशन थी वो 100% यहाँ पे फिलअप हो चुकी है, अब आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो और इस तरीके से आपका पूरा जो समरी है यहाँ पे आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आपका पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे लिख दिया है कि यह कोई वीजा नहीं है। अब आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा।
और आप यहाँ देख सकते हो कि आपकी एम्बेसी का जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, इस कन्फर्मेशन को आप प्रिंट करके लिख लीजिए, रख लीजिए। यहाँ देख रहे हैं कि प्रिंट कन्फर्मेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना जो जो ये आपका पूरा प्रव्यू है इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। आप जो इतना जो इसमें फॉर्म आप फिलअप पर है, फॉर्म फिलअप किए है, वो यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन पर जाकर यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। और आप चाहे तो यहाँ से आप ईमेल भी इसको कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो है प्रिंट कन्फर्मेशन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो प्रिंट कन्फर्मेशन का पूरा जो ये पेज है इसका आ जाएगा, और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से इसको पेज को प्रिंट करके रख सकते हो। चलिए मैं यहाँ से इसको प्रिंट करके अपने पेज पर रख लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूरी एप्लीकेशन मिल जाती है। तो यहाँ देख रहे हो कि आपका यहाँ पे पूरी के पूरी ये एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन को आप यहाँ से प्रिंट करके इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ चुका है। चलिए मैं यहाँ इसको वहीं पर प्रिंट करके रख लेता हूँ अपने सेफ्टी के लिए। चलिए मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो पाथ मैं चूज कर लिया हूँ। चलिए मैं यहाँ पे इसे ओके कर लेता हूँ। अब जो ये आपका स्टेप वन है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप टू के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट टू में आपको ये करना पड़ेगा, जितना आपके डॉक्यूमेंट है उस सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना होता है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट में आता है आपका पासपोर्ट, तो पासपोर्ट को आप साथ में रखने के पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो आप पासपोर्ट के को लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे रुकने से पहले उसके जो 6 महीने की पहले तक एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तभी आप वीज़ा के लिए अगले चरण में जा पाओगे। अगर एक से ज़्यादा के लिए पासपोर्ट है तो आपको सभी के लिए अलग से अलग अलग इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। दूसरा है डॉक्यूमेंट, इसका जो भी आप डॉक्यूमेंट फिल किए हैं उसकी जो प्रिंट कॉपी है वो आपको प्रिंट कॉपी आपको अपने साथ रखनी पड़ेगी। तीसरा है फोटो, जैसे तो आवेदन टाइम करते समय अपने फोटो अगर यहाँ पर उस पर देंगे ही, फिर भी आपको एक फोटो आपके साथ रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अभी दिखाया हूँ कि मैंने फॉर्म में फोटो अपलोड नहीं किया है, तो इस तरीके से अगर फोटो आप अगर अपलोड नहीं करते हो तो आपको एक फोटो भी आपको साथ में रखना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, 4 फोटो जो अपने साथ में लेके एम्बेसी में जाना होगा। इसके साथ आपको एक चीज़ और चाहिए, ऑफिशियल लेटर। अगर आप कोई राजनीतिक या डिप्लोमेट या आप कोई भी राज्य कोई विशेष लोग हैं या आप कोई व्यापार के लिए अमेरिका जा रहे हैं तो आपके पास कोई एक ऑफिशियल लेटर होना चाहिए। इसके साथ कंपनी का नाम, आपकी उम्र और जो भी कंपनी में जा रहे हैं उस सारी डिटेल आपका होना चाहिए। और साथ ही आपके ट्रेवल का कारण, आपके आने जाने और सभी का आपको पूरा एड्रेस और आपके आने जाने के पूरी टिकट सब कुछ इसमें अवेलेबल होनी चाहिए। तो सारे ये होता है, ये 3 फॉर्म में लिखी होती है। आप उसी एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप करना होता है। अगर आप स्टूडेंट पे जा रहे हो या ट्रेवल वीज़ा पे जा रहे हो तो आपको ऐसे कोई भी जो ऑफिशियल जो आपको यह फॉर्म है जो मैं बताया हूँ वो आपको बिल्कुल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल लेटर की सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है जो अगर बिजनेस के लिए जा रहे हो या फिर वो कोई डिप्लोमेट हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट कर रख लेनी है, और पासपोर्ट आपके साथ हो, और पासपोर्ट आपके साथ होनी चाहिए जो आप स्टेप वन में जो आपने फॉर्म में फिलअप किया था। इसके साथ है आपको 4 फोटो होने चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस या कोई डिप्लोमेट है तो आपके पास एक ऑफिशियल लेटर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपने पास लेके आपके साथ एम्बेसी में जाना होगा। तो आपको इस तरह से लेके जाना है, और आपको स्टेप 3 फॉलो करना होगा। तो स्टेप 3 में ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा US एम्बेसी में, जो भी हमारे इंडिया में 6 एम्बेसी से है। तो उनमें से जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे जो भी एम्बेसी का नाम है, तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भी एम्बेसी का नाम है आपको उसी एम्बेसी में आपको जाना होगा। तो एम्बेसी में जाने से पहले आपको जो वीज़ा है उसकी फ़ी पे करनी पड़ेगी। फी आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो इसी वेबसाइट से जहाँ से मैंने फॉर्म फिलअप किया था, जहाँ से मैं अभी आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाया है, या आप एम्बेसी में भी जाके भी फ़ी पे कर सकते हो। एम्बेसी में जाने के बाद आपको छोटा सा एक इंटरव्यू भी लिया जाता है। वीज़ा बनाने के अलावा आप US एम्बेसी में आपको छोटा सा एक इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो इंटरव्यू के दौरान ऑफिसर आप में ये जांचते हैं कि आप इतने पढ़े लिखे हो भी कि नहीं कि आपको अमेरिका जाने का वीज़ा दिया जाए, और साथ ही आपके वहाँ पे उंगलियों के निशान भी लिए जाते हैं। अगर आपका वीज़ा मान्य हो जाता है तो आपको सूचित करके बता दिया जाता है कि आपका वीज़ा आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अमेरिका का वीज़ा बनवा सकते हो। हमारे भारत में 6 US एम्बेसीज है, तो एक है नई दिल्ली में, एक है चेन्नई में, एक है हैदराबाद में, एक है कोलकाता में, और एक मुंबई और एक बेंगलुरु में है। जब आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हो तो आपको उसी में लिखा हुआ आ जाता है कि आपको कौन से एम्बेसी में जाना। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से USA वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है।
चाहे आप पढ़ने के लिए जा रहे हो या घूमने फिरने के लिए जा रहे हो या मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हो या कोई बिजनेस करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे जो है आपको कौन सा वीज़ा लगेगा और कौन सा वीज़ा आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, सो आप इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में जाना। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।